मशहूर नोबलिस्ट जॉर्ज मोरे ने एक बड़ी ही सिंपल लाइन कही है, अ विनर इज अ जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। ये लाइन देखने में जितनी सरल है, इसके पीछे मुझे लगता है कि उतना ही बड़ा मीनिंग छिपा हुआ है, और मुझे लगता है कि अपने आप में एक महा मोटिवेशन है। हर स्टूडेंट को इसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। फेलियर एक ऐसा वर्ड है जिसका सबसे ज़्यादा सामना अगर मैं देखूँ आज के समय में, तो एक स्टूडेंट को करना पड़ता है, एक छात्र को करना पड़ता है। बट हर स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने फेल्योर से घबराने के बजाय उससे कुछ पॉजिटिव सीख करके आपको जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इस लाइन का सही मतलब यही है। और ज़िंदगी में जो इस तरह का सोच रखता है वही लाइफ में सफल होता है। बहुत से कैंडिडेट अपने फेल्योर से घबरा जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत सारे क्वालिफाइड बच्चों के इंटरव्यू लिए, जो एक बार में ही नहीं, दो बार में, तीन बार में, चार बार में, पाँच पाँच, छः छः बार में जा करके अपने लाइफ में सफल हुए, लेकिन कभी हार नहीं माने। वो हर बार जब गिरे, असफल हुए, तो उन्होंने सीखा कि हमें क्या कमियां रही और हमें क्या बेहतर करने की जरूरत है, और उसी जज्बे और जुनून के साथ उन्होंने बाउंस बैक किया और नई ऊर्जा एनर्जी के साथ अपनी सफलता को तय किया। तो मुझे लगता है कि उनकी पॉजिटिविटी, उनका ऑप्टिमिज्म ही उनको सफलता की राह पे तेजी के साथ आगे लेके पढ़ा। बट सवाल सिर्फ असफल और सफल होने का नहीं है, सवाल है कि आप अपने फेलियर से कितना सीखते हैं। बहुत लोग हैं असफल हो गए बट उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। जब वो लाइफ में कुछ सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हर फेलियर एक सीख की तरह है, और वो सीख लेकर के ही आप अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। डिफेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट मोस्टली एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन ना होने की वजह से फेल हो जाते हैं, और मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहूँगा इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भी गलती है, क्योंकि जब तक आप ये जज नहीं करेंगे कि आखिर कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है आगे बढ़ने के लिए, जब तक आप स्वयं से एनालिसिस नहीं करेंगे कि जिस कंपटीशन के लिए आप जा रहे हैं उसका ट्रेंड एनालिसिस नहीं करेंगे, उसके लेवल को नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी जज ही नहीं कर पाएंगे कि आखिर आप ज़िंदगी में किस चीज़ के लिए बने हैं और आपको क्या लाइफ में बेहतर करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस भी चीज़ के लिए आप प्रयास करें उसके लिए एनालिसिस करें, उसके स्टैंडर्ड को समझें, तभी आप जज कर पाएंगे कि जो ज्ञान, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज आप ऑप्ट कर रहे हो आपके लिए सही है कि गलत है। और इसके लिए सबसे अहम चीज़ यही होती है कि जब इस तरह का एस्पेक्ट आपका क्लियर नहीं होता है, तो मोस्टली जो गाइडेंस आपको मिलती है, प्रिपरेशन जो मिलती है, वो अप टू द मार्क नहीं होती, मतलब उसका सही लेवल नहीं होता, और यही कारण आपके फेल्योर का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, और लगातार ये सिलसिला चलता ही जाता है, और यही डिमोटिवेशन का कारण बनता है। फेल्योर का जिम्मेदार हम खुद को मान लेते हैं और खुद से ही भरोसा उठ जाता है, और फाइनली जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस तरह के नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट पर बढ़ता है, वो लाइफ में असफलता की राह पर बढ़ जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये सही निर्णय लेने का समय है। आज डिफेंस एग्जाम के जितने भी मेरे बच्चे हैं, उन्होंने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया 4 सितंबर को एनडीए सीरियस एग्जाम का, अगस्त में एफकैट एग्जाम का, सीपीएफ एग्जाम का, क्रमशः आपने देखा नेवी के भी एग्जाम का एक्सपीरियंस किया, उन्होंने एयरफोर्स के भी एग्जाम का एक्सपीरियंस किया। तो मुझे लगता हर कॉम्पिटिशन के एग्जाम का आपका एक एक्सपीरियंस हो चुका है, और उस एक्सपीरियंस के बाद आपका रिजल्ट आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप सफल नहीं हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जो बच्चे सफल हुए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो सफल नहीं हुए वो भी आज बैठे हैं और फिर वही रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने इससे पहले किया था, और वही उनकी असफलता का कारण बना हुआ है। आज ये सोचने का समय आ चुका है, आज चुनने का सही समय आ चुका है कि आपको आज देश का सबसे सही ऑर्गेनाइजेशन चुनना है। और 15 सालों से अगर आप डिफेंस तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेजर कल्सी क्लासेस ने सिलेक्शन का एक लेगेसी मेंटेन करके रखा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है पूरे इंडिया के, कहने के लिए नहीं, एक बेहतरीन सिस्टम की वजह से है, ईमानदार मेहनत की वजह से है। जितना हम फोकस क्लास टीचिंग के अंतर्गत हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम टीचर की है पूरे भारत की, अराउंड 400 पीपल वी वर्क इन दिस एमकेसी फैमिली, हम 400 लोग काम करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, हम 100 नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं, हमारा केवल सुबह शाम तक एक ही काम है, बच्चे का वेलफेयर और उसको बेहतर करना। जितना क्लास टीचिंग पे फोकस हम हैं, उतना ही बेहतर हम डाउट काउंटर पे भी बैठे हुए हैं कि 1-to-1 हम आपकी समस्या सुनने के लिए और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए खड़े हैं। आखिर ऐसी जगह कहाँ मिलेगी, और जब तक आप चुनाव नहीं करेंगे ऐसी जगह का सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा आपकी असफलता ही इसीलिए थी क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पे काम ही नहीं किया, और कॉन्सेप्ट कभी कभी इंडिविजुअल बैठ के ही क्लियर होते हैं, और मुझे लगता है वो केवल आपको एमकेसी में मिलेगा। बेहतरीन मटेरियल बनाए गए, रिसर्च करके, इतनी बड़ी आरएनडी टीम है 100-150 लोगों की, वो दिन रात आपके लिए रिसर्च कर रहे हैं केवल इसलिए कि आपको एक बेहतर मटेरियल दें, बेहतर मॉक टेस्ट दें, बेहतर मॉडल पेपर दें, बेहतर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दें जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करें। बेहतरीन टेस्टिंग लैब बनाई गई है जहां आपको डिट्टो उसी पैटर्न पे ले जाए, क्योंकि आजकल फॉर्मेट आप जानते हैं ज्यादातर एग्जाम का सीबीटी फॉर्मेट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है,
और उस टेस्ट में बच्चे जिंदगी में पहली बार फेस करने जाते हैं। इवन बहुत सारे बच्चे आज यहाँ बैठे हो भी महसूस कर रहे होंगे आप लाइफ में पहली बार फेस किए होंगे, और फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर से पहली बार होगा, और पहली बार है तो आपका बहुत सारा समय उस वजह से भी बर्बाद हो जाता है। तो आज ज़रूरत है एक सही ऑर्गेनाइजेशन का चुनने का जो आपको टेस्ट कराए उस हिसाब से, और उसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा लैब चाहिए होता है जो आपको प्रोवाइड करेगा केवल एमके से। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार मोटिवेशनल सेमिनार यूनिट टेस्ट मॉक टेस्ट के माध्यम से हम आपको हमेशा आपकी प्रोग्रेस से आपको अवगत कराते हैं। किसी के कहने से ना आप बेटा सफल होते हैं ना असफल होते हैं, एग्जैक्टली अपनी परफॉर्मेंस अपना आउटपुट आपको खुद जज करने का समझने का अधिकार है। और जब क्रमशः हमारी यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट में उस रियल जर्नी का आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ है और आप में क्या कमी है और आपको क्या बेहतर करना है। मैं कहता हूँ एमकेसी आपको एक प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड देता है, आपको रियलाइज़ कराता है कि एनडीए का एग्ज़ाम क्या है उसके स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या है, सीडीएस एग्ज़ाम क्या है उसके स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या है, एयरफोर्स एग्ज़ाम क्या है उसके स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम क्या है उसका स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या है, सोलर एंट्री एग्ज़ाम क्या है उसका स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या है, एफकैट एग्ज़ाम क्या है उसका स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या है, ये सब कुछ आपको मिलेगा एमकेसी में। पिछले 15 सालों से एक लेगेसी मेंटेन हो रही है जहाँ हमारी लगातार कोशिश है कि बच्चों से ऑब्वियसली उस लेवल पर काम किया जाए कि अपनी कॉम्पिटिशन में सफलता तय करने में 100% से हो पाए। तो आप भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल आपको जुड़ना है देश के सबसे ऑथेंटिक सबसे क्रेडिबल और सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। बिल्कुल मत भटकिए, ना ऑनलाइन भटकने की जरूरत है ना आपको ऑफलाइन कहीं भटकने की जरूरत है, आपको जरूरत है एक सही ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करने का, और देश का वो सबसे सही ऑर्गेनाइजेशन माँ सरस्वती की धरती प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता है मेजर कल्सी क्लासेस के नाम से। तो बिल्कुल आप सब फटाफट जो है आइए यहाँ का हिस्सा बनिए, ऑनलाइन भी हम आपके लिए हैं ऑफलाइन भी हैं, ऑफलाइन जबरदस्त टीम और ऑनलाइन में भी वही जबरदस्त टीम आपके साथ कि घर बैठे भी हम आपको बेहतर तैयार कराएं। बेहतर मटेरियल एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से मेजर कल्सी क्लासेस की वेबसाइट पर जाइए, पब्लिकेशन पर क्लिक करिए, फ्री डिलीवरी के साथ आप किताब अपने घर लीजिए। तो सब कुछ ऑर्गेनाइज प्लान्ड अप टू द मार्क है, हर चीज़ रियल है और रियल सिलेक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। तो वाकई में अगर आपको इस बार रियल सक्सेस चाहिए अपने आने वाले हर एग्जाम में तो मैं कहना चाहता हूँ कि आंख बंद करके उठाइए फ़ोन और कॉल करिए मेजर कल्सी क्लासेस में 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9696230033 पर, और तय करिए अपने निश्चित सफलता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि फेल्योर बड़ी चीज़ नहीं, बट उस फेल होने के बाद भी अगर आपने लाइफ में नहीं सीखा और खुद को बेहतर नहीं किया, क्योंकि सफलता आपको लेनी है तो प्रयास भी आपको करना है, तो लाजमी बात है कि प्रयास सही लोगों के साथ होना चाहिए, सही गाइडेंस के साथ होना चाहिए, और सही गाइडेंस सही प्लेटफॉर्म हर स्टेप पे, चाहे वो रिटन एग्जाम के प्रिपरेशन हो या आपके फिजिकल की ट्रेनिंग हो या आपके मेडिकल की फैसिलिटी हो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से, या SSB इंटरव्यू के स्पेशल गाइडेंस हो या GDSRT के स्पेशल क्लासेस एंड गाइडेंस हो, अगर सब कुछ आप ऑथेंटिसिटी के साथ देखना चाहते हैं तो देश के इकलौते प्लेटफॉर्म पे है वो आपका है मेजर कल्सी क्लासेस। तो फिर आप इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? इस बार सक्सेस चाहिए और मेजर कल्सी क्लासेस की एक ही जिद है सिलेक्शन सिलेक्शन और सिलेक्शन। तो अगर आपकी भी जिद है सिलेक्शन तो उठाइए अपना फ़ोन और फटाफट पहुँचिए MKC में और यहाँ का हिस्सा बन करके खुद का माँ बाप का सपना पूरा करिए, और हम सबको और इस पूरे देश को गर्व महसूस करने की एक बड़ी वजह दीजिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और नई ऊर्जा और जोश के साथ MKC का हिस्सा बनके अपने सक्सेस को तय करें। विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत।